गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो कल हमने जो एल्कलॉइड्स हैं उनके बारे में, उनकी क्लासिफिकेशन देखा, उनकी अकरेंस देखी, उनका नोमेनक्लेचर, ये सब चीज़ें हमने कल लास्ट क्लास में देखी। और अब आज हम बात करने जा रहे हैं, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज़ स्ट्रक्चर इलिस्ट्रेशंस ऑफ एल्कलॉइड्स। स्ट्रक्चर इलिस्ट्रेशंस ऑफ एल्कलॉइड्स, इलिस्ट्रेशन ऑफ एल्कलॉइड्स। देखिए बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। इसमें क्या है कि सबसे पहले कोई भी कंपाउंड है, और ये हम यही करेंगे आगे जाके जो मेंबर्स पढ़ेंगे, इसके एफिड्रीन है, कोनीन है, सब के अंदर यही करेंगे। तो आपको पता है कि स्ट्रक्चर इलिस्ट्रेशन के अंदर क्या होता है कि यूवी विजिबल एनएमआर, ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपीज हैं इनसे हम स्ट्रक्चर को इल्यूसिडेट कर सकते हैं। आज की डेट में तो अपने पास में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन पहले जब बहुत ही प्रायर डेज की बात कर रहा हूँ, वो पुराने टाइम में ट्राइबल डेज में किस तरीके से इसको इल्यूसिडेट किया जाता था, आजकल तो इन स्पेक्ट्रोस्कोपी से अपन आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन पहले किस तरीके से यूज़ किया जाता था उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। पहले जो अपने को इसमें, क्योंकि पूरा शॉर्ट नोट पूछेंगे आपसे स्ट्रक्चर इलिस्ट्रेशन ऑफ एल्कलॉइड्स, तो सबसे पहले तो डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिकुलर फॉर्मूला, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिकुलर फॉर्मूला कि उसका मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस से हमें क्या पता लग जाएगा, नंबर ऑफ कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन, ये सारे हम पता करके इसका मॉलिक्यूल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। एंड द डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल वेट ऑफ द कंपाउंड बाय रास्ट मेथड, इट इज़ आल्सो कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना बहुत सिंपल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरा आगे अपन क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेशन ऑफ डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस, जिसको DBE बोलते हैं। इसके लिए फार्मूला क्या है, जैसे मान लीजिए आपका कोई भी मॉलिक्यूलर फार्मूला आपने ऊपर से निकाला और इसका फार्मूला निकल गया है CA, जो हाइड्रोजन है CaHbNCO जो है D, ये मान लीजिए इसके नंबर ऑफ वो है। अब क्या है इसमें, इसका डबल ऑफ इक्वल डी बी ई का मतलब समझते हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। देखो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, एक डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बराबर होता है टू हाइड्रोजन, कितने होते हैं हाइड्रोजन। अब ये दो हाइड्रोजन एक डबल बॉन्ड भी हो सकता है और एक रिंग रेजिड्यू भी हो सकता है। क्या हो सकता है, रिंग रेजिड्यू भी हो सकता है, मतलब एक रिंग भी कितने के बराबर होगी, दो हाइड्रोजन कम करेंगे। अरे देखिए जैसे मैं आपको कहूँ 6 कार्बन का C6H14 होगा, ये फुली सैचुरेटेड है जिसके अंदर पूरे कार्बन है। अब मैं 6 कार्बन का अगर रिंग बनाता हूँ तो इसके अंदर आपको 12 ही कार्बन मिलेंगे, हर के ऊपर दो हाइड्रोजन है, सबके ऊपर तो दो, 4, 6, 8, 10 और 12, तो मतलब क्या हुआ, कितने हुआ इसमें 12, मतलब कितने हाइड्रोजन कम हो गए इसके अंदर, दो हाइड्रोजन की कमी हो गई। तो क्यों, क्योंकि एक रिंग बन गई, तो वन रिंग इज इक्वल टू आल्सो हाइड्रोजन। तो इसको बोलते हैं अपन डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट्स, चाहे वो डबल बॉन्ड के रूप में हो चाहे वो रिंग के रूप में। तो डीबीई निकालने का जो मेथड है वो फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि क्या, कि अगर आपके पास में ये इस तरीके का फॉर्मूला हो तो डीबीई निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, ए माइनस बी अपॉन टू प्लस सी अपॉन टू प्लस वन, इस तरीके से। इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं, डी बी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ, देखिए जैसे आपके पास में C13H24
N2O2, तो उसमें कितने डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट्स होंगे? देखिए ए कितना है 13, माइनस बी कितना है 24/2, प्लस सी कितना है 2/2, प्लस 1, कितना हो जाएगा ये 13 - 2 + 1 + 1, कितना हो गया ये? जोड़िए इसको, सॉरी 12 है ना ये, हाँ 24/2 का मतलब 12 है, तो ये कितना हो गया टोटल 3। तो कितने डबल डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट्स हो गए? डबल बॉन्ड इस तरीके से। तो इसकी स्ट्रक्चर जो एक अप्रोक्सीमेट स्ट्रक्चर है किसकी, वो क्या हो सकती है? देखिए इसमें डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का मतलब इसमें रिंग भी हो सकती है और डबल बॉन्ड्स भी हो सकते हैं। देखिए क्या अब आप खुद देख सकते हैं, इसके अंदर एक तो रिंग, दूसरी रिंग और तीसरा डबल बॉन्ड, तो कितने हो गए टोटल 3 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट्स, 3 डबल बॉन्ड, चाहे डबल बॉन्ड हो, इस तरीके से डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट्स अपन निकाल सकते हैं। इसके अलावा देखो आगे कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड्स, तीसरा पॉइंट क्या है? मल्टीपल बॉन्ड्स, मल्टीपल बॉन्ड्स एनालिसिस करने के लिए या मैं कहूँ कि पता लगाने के लिए सिंपल सा तरीका है कि जो है आप, ये आपका डबल बॉन्ड है, इसकी रिएक्शन आप Br2 से कराएंगे, आपको पता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ ब्रोमीन कंज्यूम हो जाएगा, Br यहाँ जुड़ती है, पता ही आप लोगों को। HX से कराएंगे, हाइड्रोक्सी हेलोजिनेशन हो जाएगा, KMnO4 से कराएंगे, 1,2-diol बन जाएगा, पता है आपको ये सारी चीज़। ये क्या है, अपन ने इसको टर्पिनोइड्स में भी किया है, H2 कैटलिस्ट की प्रेजेंस में कराएंगे तो ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें ना हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो यहाँ से इंसरेक्शन करके अगर इस तरह की कंपाउंड बन रहा है, इसका मतलब वहाँ पे क्या प्रेजेंट है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। इसके अलावा नेक्स्ट देखिए कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो, हाइड्रोक्सिल ग्रुप को पता लगाने का तरीका कि जैसे ROH है, इसकी रिएक्शन आप एसिटिक एनहाइड्राइड से करा दें, Ac2O से, या एसिटिल क्लोराइड से करा दें, तो आपको पता है एस्टर का फॉर्मेशन होता है, अल्कोहल और जो एसिड हैलाइड्स हैं ये सब आराम से क्या बनाते हैं, एस्टर बनाते हैं। बहुत अच्छा न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होती है यहाँ पे, कौन सी रिएक्शन होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होती है। इसके अलावा बेंजोइल क्लोराइड से करा सकते हैं, सेम वही रिएक्शन होगी इस तरीके से, ये इसके OH के ग्रुप के लिए हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें आगे कार्बोनिल ग्रुप के लिए, ये सिंपल GOC जो आप लोग 11th 12th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, कार्बोनिल ग्रुप में हो तो कार्बोनिल ग्रुप के लिए आप सब लोगों को पता है कार्बोनिल ग्रुप के क्या क्या टेस्ट होते हैं, आप मेरे ख्याल से सब लोग जानते होंगे अच्छे से कि इसकी रिएक्शन अपन हाइड्रोक्सिल अमीन से करा सकते हैं तो ऑक्सिम बनेगा, इसकी रिएक्शन सेमी कार्बेजीन से करा सकते हैं, सेमी कार्बेजोन बन जाएगा, इसकी रिएक्शन फेनिल हाइड्रोजीन से करा सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं। कार्बोक्सिलिक के लिए भी ऐसे ही उसकी रिएक्शन अल्कोहल से करके एस्टर बना सकते हैं। इसके अलावा कार्बोक्सिलिक के लिए देख सकते हैं इनमें ये ग्रुप आगे ये सब चीजें काम आएंगी अपने, सोडियम बाइकार्बोनेट से कराएंगे, सोडियम बाइकार्बोक्सिलेशन डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होती है, ये वाला सबको पता है।
अमोनिया से रिएक्शन कराएंगे, अमाइड्स बनेंगे, सॉल्ट बनता है ना इसमें, ROS से कराएंगे, इस तरीके से रिएक्शन करा सकते हैं। ये सब इसमें सारी चीजें हैं।